अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो क्या हाल है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं कर रहा था 1v4 अपने मेन अकाउंट से। गाइज मैं नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें मेरे पास रूम नहीं था। ये मेरे मतलब दो मैंने TDM डाले हैं, जिसमें मैंने दोनों अपने मेरे जो दो और अकाउंट हैं उनसे मैंने 1v4 खेला, जिनमें दोनों में मेरे पास रूम था, सो मैंने दोनों से खेला। सो ये फर्स्ट TDM है जिसमें गाइस देख लो मेरे स्कार है। एक तो मेरे पास कोई स्किन देख सकते हो आप, मेरे पास नहीं है स्किन। तो चलो बंदा हाइड भी कर सकता है, लेकिन आप अटैचमेंट देख सकते हो गाइस, एक भी नहीं है मेरे पास। मतलब स्कार एल पे होलो लगा हुआ है, कोई एक्सटेंडेड नहीं है, कोई क्विक ड्रॉ नहीं है, कोई मतलब मजल वगैरह, कोई ग्रिप कुछ भी नहीं है। सो फिर भी गाइस मैं इन दोनों में TDM में गाइस मैं विन कर ही जाता हूँ। इसमें मेरे कंप्लीट 40 किल्स तो नहीं होते, लेकिन जो नेक्स्ट होगा ना गाइज उसमें मेरे कंप्लीट 40 किल्स हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इससे। दोनों मजे के हैं गाइज, तो वीडियो पूरी देखना, एंजॉय करना, मैं आपके साथ ही रहूँगा। सो पाँच पाँच से बराबर है गेम। ओ भाई साहब यार, क्या तुम मारा है आइए। ये देखो भाई, ये देखो, ये होता है अटैचमेंट ना होने का नुकसान। अरे भाई ऐसे कैसे, आप तो वहीं पर खड़े हो गए भाई। और ये देखो, ये लालच का नतीजा यार। इसने मुझे बहुत मारा गाइस, लेकिन फिर मैंने भी इसे बहुत मारा। तो भाई तो बच अब गाइस, आज थोड़ी एनर्जी लो है क्योंकि आज शबे बरात है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्यारा खूबसूरत दिन है गाइस आज, और मेरा रोज़ा भी आज, तो इसलिए एनर्जी थोड़ी लो होगी। ओ भाई भाई ग्लिच कर रहे थे पे यार, क्या तो हेड पड़ा गया यहाँ पे। बात कर रहे भाई, इधर ही आओगे ना। ओए ओए, यहाँ पे मैंने बैरल की जगह M24 रिलोड करनी शुरू कर दी। और ये नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब क्या, देखो गाइस कुछ भी नहीं लगा है, अटैचमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है भाई। आप क्या कह रहे हैं, कैंपिंग हो रही है। और ये मैं हूँ, और ये मेरी कवर है, और ये कैंपिंग हो रही है। ये हमारी कार है, और ये हम हैं, और ये हमारी पार्टी हो रही है। लॉल, ये दोनों एक जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। और ये भाई, ये देखो मैं रीलोड कर रहा हूँ भाई, भागो भाई। कहते हैं नहीं, मम्मी ने कहा जा बेटा दे ले आ। आइए सर जी, DP लेके आ रहे हैं, आइए। ओ भाई छोड़ दे भाई, छोड़ दे ऐसे कैसे यार, कितना डैमेज दिया मैंने। गाइस अगर पीछे शोर आ रहा हुआ तो काइंडली इग्नोर करना, क्योंकि मैं दिन के टाइम वॉइस ओवर कर रहा हूँ, रात के टाइम वक्त नहीं मिलता, नहीं तो मैं रात को कर लिया करूं। दिन का ही एक टाइम होता है। अब गाइस ये शायद सिर्फ दो रह गए थे, एक वो ब्लू कपड़ों वाला और एक ये वाइट कपड़ों वाला। और वाइट कपड़ों वाला गाइस मेरे से आखिर तक वैसे फाइट की, मानता हूं उसे मैं वाकई में। ये देखो गाइस, ये देखो तुक्के पे मेरा हेड उसे पड़ गया। आइए सर जी, ये पता नहीं कहाँ कैंपिंग कर रहा था ब्लू कपड़ों वाला। गाइस के बाद एक और TDM है, काइंडली फुल वॉच करना वीडियो को, और वो ज्यादा मजे के इससे। यहाँ पे हमें मिलती है गिरोजा, गिरोजा मोस्ट पावरफुल गन इन PUBG मोबाइल। ये जाइए भाई, कैंपिंग हो रही है, फिर से कैंपिंग हो रही है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो।
रहने के बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो भाई दोनों आ गए, इसको तो सिर्फ एक ही बुलेट पड़नी थी। वे यार काश ही किल हो जाता। गाइज अगर आपने भी मेरे साथ 1v1 करना है तो गाइज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी या डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में अपनी आईडी लिख दूंगा, आप किसी भी वक्त मुझसे 1v1 कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, तू मुझे किल ना करने दे भाई, तू बेटा रुक जरा, सबर कर, रुको जरा सबर करो। आइए सर जी, सर जी हेड लगा तो। अरे यार ये भी पीछे से शायद मार देगा ब्लू कपड़ों वाला। भाई तुझे मसला क्या है? गाइज मैं फर्स्ट टाइम 1v4 लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा प्यार दोगे, लाइक करोगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियोस लाऊं। ये देखो भाई यहाँ पे गायब ही हो जाएगा ये बंदा, अभी वेयर हाउस में आया, और ये देखना ये देखो पता ही नहीं किधर गया। कैंपिंग हो रही है ब्लू कपड़े वाले, कैंपिंग हो रही है। ये शायद मेरे इंडियन भाई थे सारे, इन्होंने बाद में मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने कहा भाई मतलब इनसे मैंने बात भी की थी गेम के बाद, कहते हैं भाई आप हैक लगा के आए हो, मैंने कहा नहीं भाई आपको मैं अपनी दूसरी मेन अकाउंट की आईडी बताता हूँ, आप उस पर रिक्वेस्ट भेज दो, तो इन्होंने उस पर भी रिक्वेस्ट भेजी, फिर इन्हें पता चला कि आई डोंट यूज हैक्स, सस्ती अंग्रेजी। यार इसके पास अगर दूसरी गन ना होती गाइस मैं इसे मार देता, देखो जरा 117 का डैमेज यार, मतलब क्या। कैंपिंग हो रही है ऊपर में, कैंपिंग हो रही है। क्या करें आप, गया मैं बच गया। एक्सपायर्ड, रीलोडिंग, कवर मी, रीलोडिंग। अरे सर जी आप किधर हैं, आपको तो हमने बड़ा याद किया। अरे यार ये मसला क्या है डीपी वाले भाई, कभी कौन सी गन ले आता है कभी कौन सी। ये देखो सारा डैमेज दे दिया, इसको फिर से इतना डैमेज दिया था मैंने वाइट कपड़ों वाले को। सर जी इधर हूँ मैं, सर जी इधर देख रहे हैं आप, सर जी यार एक को मारा दूसरा आ जाता है, नहीं मतलब क्या। The blue team leads with 30 seconds left. ओ भाई यार ये 1v2 इसके लिए तो लाइक बनता है गाइस, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इसके लिए गाइड लाइक कर दो। यहाँ पे मुझे गाइस टाइम का पता नहीं था कब टाइम गुजरा, अभी जाना है नहीं, रुके रुके रुके। ये देखें एक और टीडीएम गाइज, ये मैंने फिर से अकाउंट चेंज किया, इसमें भी मेरे पास रूम पड़ा हुआ था, इसमें ये गाइज मेरे पास स्कारल पे रेड रोड लगा हुआ था और मतलब एक छोटी बहुत
छोटी मोटी एक मंजिल लगी हुई थी, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसमें गाइज मैं फुल 40 किल्स करूँगा गाइज, और ये तीन या चार शायद, या चार पूरे थे या तीन थे ये गाइज आखिर तक, अभी तक तो 4 ही होंगे पूरे, बट शायद एक छोड़ के चला जाता है गेम। ये देखो कितना डैमेज दिया और पीछे से इसने मस्ती कर दी। मैंने कहा ऑल पे गाइस कुछ सुनेंगे, ये भी इंडियन थे बट ये भी कुछ नहीं सुन रहे थे गाइस। क्या तो कैंपिंग की है गाइस इन्होंने, सस्ता नेट। नहीं नहीं मारो पीछे से इसको गाइस, मैं बहुत मारता हूँ, इसने मुझे बहुत मारा है और मैं भी इसे बहुत मारूंगा गाइस। हम दोनों की मेन फाइट हम तो नहीं जीतेंगे। किरोजा ओ भाई गाइज ये देखो इतना मजे का खेल लगा गाइज, ये इसके लिए तो लाइक बनता है ना। आइए जाइए ओ भाई, क्या तो किल किया भाई, ये सुप्रेसर तो हटाने दे यार, तो यार तो सबर होता है बंदे में यार, सबर नामी कोई चीज ही नहीं है। हेड बोलती पब्लिक, अल्लाह अकबर। यार पीक पीक पीक, कैंपिंग हो रही है। यहाँ पे अगर गाइस मेरे पास बुलेट्स होती से ही मारता। आइए भाई मैं इधर से भी आ सकता हूँ, क्या हो गया। पीछे देखो पीछे पीछे से मारते हो यार, शर्म नहीं आती। नहीं गाइस यहाँ पे अगर मैं नेट पहले ही थ्रो कर देता ना गाइस, इसको मैं किल कर सकता। देखो गाइस नहीं मतलब क्या यार, पीछे से ना मारो, पीछे बता दिया अगर पीछे हम फिर से एक को मारूंगा दूसरा आ जाएगा। ओ भाई यार इसको इतना डैमेज, आप देखना गाइस बिल्कुल 1 HP और सिर्फ अपने किल को कंफर्म, किसी को नहीं मारा। मुझे पता था ये सारे किल होना नहीं है, इन्होंने अपना किल बस कंफर्म किया। चलो जी वॉच आउट, नींद आ रही है गाइस। यार क्या बार बार पीछे से आ रहे हो यार, मतलब मजाक हो रहा है। ओ भाई क्या तो 1v2 था। हेड पड़ा पीछे से मारेगा, देखा पीछे देखो पीछे। यार क्या मसला है,
यार ये कैसे मार गया भाई, मुझे नहीं समझ आई। कैंपिंग हो रही है भाई, हमारे पास भी मूवमेंट है, ऐसे तो नहीं पबजी में आए। हमने को अंधा कर दिया, क्यों किया? गाइज मैंने भी थोड़ी बहुत कैंपिंग की थी, करनी पड़ती है गाइज सिचुएशन के हिसाब से, बल्कि कैंपिंग नहीं गाइज होल्डिंग होती है, कैंपिंग कह नहीं सकते। जाहिर सी बात है अब इतने बंदे सामने होंगे। भाई तू तो रुक, तुझे तो भाई रास्ते में फड़काऊंगा, ये ले अब बता। यार क्या तो मूवमेंट है लड़के की, इतना जल्दी आ गया। तुम भी इधर आओ, तुम किधर भाग रहे, तुम इधर आओ। बदला तो होगा, ऐसे तो होगा। यार भाई इसने बड़ा तंग किया गाइस, इसने आखिर तक गाइस आखिरी सेकंड तक मुझे बड़ा तंग किया, बट आखिरी किल भी यही था मेरा। भाई सब लेट रहे हैं, पीछे देखो पीछे। ओ भाई यहाँ से एक दफा ऊपर चढ़ा, फिर दूसरी दफा फिर से, नहीं मतलब क्या, बस फिर भी इसे मार लिया गाइस मैंने। कैंपिंग शुरू हो रही है, एक भी बुलेट टच नहीं हुआ आपका। इसमें गाइस ये बंदे ज्यादा थे इसलिए किल्स मेरे निकलते जा रहे थे, इसलिए मैं 40 किल्स इजीली कर लूंगा। ये देखो गाइस एक कैंप का नुकसान, गाइस बहुत जोर का रोजा लग रहा है। गाइस कमेंट में बताना किस किस ने रोजा रखा है। भाई मूवमेंट दिखा रहे हो, भाई सब इधर हूँ मैं, इधर देखें सर जी, सर जी इधर आए, शुक्र है यार यहाँ पे मैं लेट गया था। ये देखो जी मौका ही नहीं दिया भाई साहब ने, M249 से मारना शुरू। मैंने भी कहा भाई इससे कैसे, ऐसे तो नहीं होता। अब बता अब बता अब बता, the red team doesn't have a lot of time left. ये होती है लूट के लालच। मेरे पास गाइस कोई अच्छी अटैचमेंट्स नहीं थे इसलिए मैं कह रहा था कोई गन वगैरह उठा लूं अच्छी सी। Thirty-seven versus 27 बाबा जी, 1v3 बोलते, मजाक तो नहीं है गाइस, टैलेंट टैलेंट। ओ भाई यार इसको तो क्या ही मारा मैंने, देखो 1 HP। तू मार ले पीछे से, मजाक हो रहा है यार, कोई सीरियस गेम चल रही है गाइस। ये आखिरी किल गाइस बड़ी मुश्किल से करूंगा, देखो ये एक दफा पड़का दिए इन्होंने। ये देखो एक को इतना डैमेज दिया, दूसरे ने कवर फायर दे दिया। अब गाइज उनके पास लीड है लेकिन वो फिर भी, ये देखो मेरे सामने आ रहे, देखो गाइज आखिरी सेकंड में 40 किल्स कंप्लीट कर लिए, देखो 0-0 लिखा हुआ है गाइज। भाई तुम लोग के पास लीड हो सकती है, तुम लोग आगे जा सकते हो, मतलब हार तो तुम लोग गए हो पर इतनी गेम तो ना दो।
सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर देना, अगर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो मुझे बताना कितनी अच्छी लगी कमेंट में। गाइस सपोर्ट दिखाओ, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।